क्या आरोप लगाया था कंगना रनौत को लेकर, और हाल ही में अभी दो दिन पहले कंगना रनौत को मुंबई पुलिस ने तीसरा सम्मन भेजा है और वो अभी तक हाजिर नहीं हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो मुंबई पुलिस की छवि उसके नज़र में क्या है और तीसरे नोटिस पर भी नहीं आई वो, और आपने क्या कहा था उसको कंगना रनौत को? देखो जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे को डिसरिस्पेक्ट किया था, डिफेमेशन का केस उसके खिलाफ फाइल होता था, जिस तरीके से वो एलिगेट कर रही थी, काफ़ी सारे लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। देखो ये हिंदुस्तान है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर कानून सबके लिए सेम है, कोई स्पेशल नहीं आया। अगर आप एक्टिंग करते हो, आप टीवी स्टार हो या फिर आप सिनेमा में काम करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सींग लग गई, आपको राइट्स मिल जाता है, आप किसको भी कुछ भी बोलो। कल को मतलब कोई भी मोदी जी का कॉलर पकड़ के हिला के पूछेगा बता तूने देश के साथ क्या किया, तो चलेगा क्या? उनको इतनी प्रोटेक्शन क्यों दी गई है? क्योंकि वो किसी कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी पर चुन के लोगों ने उनको लाया हुआ है, वो इस देश का पीएम है। वैसे ही श्री उद्धव ठाकरे इस स्टेट के सीएम है। अगर कोई भी लड़की उठ के ऐसी बात करेगी तो कल को कोई भी किसी का भी कॉलर पकड़ के खड़े होने की हिम्मत करेगा। अगर गवर्नमेंट अपने तरीके से परफेक्ट काम नहीं करेगी तो ये एक तरीके से क्राइम को बढ़ावा देना हुआ। अगर तीसरे संबंध पे भी लड़की नहीं आती है यहाँ पे, तो यहाँ से पूरा लेडी स्टाफ लेके जाओ, लेके जाके अरेस्ट करके लेकर आओ, जो सही तरीका होना चाहिए। उसके ऊपर तो कोई झूठा केस फ्रेम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना कि उसने समाज सेविका का काम किया, सोशल वर्क किया और उन्हीं लोगों ने उसको ट्रैप किया, ट्रैप करके फंसा दिया। वो कोई इलेक्शन लड़ने जा रही थी तो गवर्नमेंट ने उसको रोक लिया, या वो बोलते हैं ना समाज के नज़र में समाज का काम करते हुए कानून की नज़र में नेगेटिव हो गई तो उसका पुलिस प्रोटेक्शन हट गया, ऐसा सब तो नहीं हुआ ना। उसने तो उल्टा गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को जितना जी भर के बोलना था उतना बोला। उसने हमारे सीपी परमजीत सिंह के ऊपर कितना नेगेटिव बोला, अब वो सुरेश भी परमजीत सिंह के खिलाफ कितना कुछ बोल रहा है। वो हमारे शहर का सीपी है, उनकी एक रिस्पेक्ट है, एक रेपुटेशन है, वो वहाँ पर कुछ और करके नहीं आए, वो अपनी काबिले तारीफ, अपनी मेहनत और अपने क्रेडिट्स के ऊपर वहाँ पर पहुँचे। आज अगर एक रास्ते पे मेहनत करने वाला मजदूर अपने आप में खुददारी रखता है कि वो मजदूरी करके कमाता है, जब उसमें खुददारी है, तो एक आईपीएस जो कि अपनी क्षमता से इंडियन पुलिस सर्विस जैसी इतनी बड़ी एकेडमी को क्लियर करके वहाँ तक पहुँचना और उस शहर में बैठ के उस शहर को संभालना बिना कोई मिस्टेक किए, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।